मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और अभी बज रहे हैं सुबह के 7 और मैं यहाँ हूँ नाग मंदिर के पास। मैं आप सभी को दिखाती हूँ, ये है यहाँ का नाग मंदिर और ये मेरे मामा मामा का घर, ये आंचल। और देखो कितना अच्छा है यहाँ पे, घर के साथ ही मंदिर। और गाइस अब मैं तैयार हो चुकी हूँ और अभी 7:30 बज रहे हैं, मतलब 7:40 हो रहे टाइम से। और अब मुझे निकलना है, मैं जा रही हूँ अब। और अब मैं निकल गई हूँ घर से और बारिश भी स्टार्ट हो गई है। कितना अच्छा मौसम है आज, बहुत ही ज़्यादा सुहाना। और मैं आपको दिखाती हूँ अब सरान गांव का मंदिर, शरणा ऋषि जी का। और ये ग्राउंड, इस बचपन में हम यहाँ बहुत खेला करते थे। क्यों आंचल? अब मैं गांव से निकल गई हूँ और अभी 8 बज रहे हैं। मेरी बस भी लगी हुई है पीछे, इस बस में जाना है मुझे और मुझे छोड़ने आंचल आई है। अभी हम लोग बागा में, बागा ग्राउंड। मन नहीं करा मेरा जाने का, फिर भी मुझे जाना पड़ रहा है मजबूरी में। और रामपुर से मुझे फिर दादी के घर जाना है दमोठा। मैं दिखाऊंगी आप सभी को कहाँ कहाँ से जाना है मुझे। ठीक है भाई, आऊंगी। A few moments later. Wait, no, it's sleeping in on Sundays. I guess it's different for each of us and that's okay. Well, I just wanna be happy. How to get there? Glad that you asked me. I think it's different for everyone. Some of us need work, others need fun. Some of us need purpose to overcome. But try to do what you love when it's said and done. Cause there's so many differences in each of us. Trust your gut, it can show you what you want. Living life, every day. शिमला जा रही है तो मैं दत्तनगर तक इस बस में जाऊंगी और पापा भी शिमला कल्पा बस में जो कि किन्नौर जा रही है। ये 12 बजे चली गई, मैं 11:30 बजे पहुंच गई थी और 12 बजने वाले हैं तो 12 बजे निकलेगी बस। A few moments later. और मैं दत्तनगर पहुंच गई हूँ, अभी टाइम 12:30 हो रहे हैं। अब मैं दत्तनगर से पैदल पैदल जा रही हूँ क्योंकि कोयल तक जो बस जाती है वो मतलब 3 बजे आती है, तो अभी तो 1 भी नहीं बजे, मतलब 12:30 बज रहे हैं और 3 बजे तक मैं क्या करती रामपुर में। तो फिर मैं दत्तनगर तक बस में आई और यहाँ दत्तनगर से मैं अब पैदल जा रही हूँ। यहाँ आगे से शॉर्टकट है मेरे गांव के लिए, तो मतलब वहाँ से जाऊँगी मैं। अब रास्ता भी मुझे याद है कि भूल गई मैं, पता नहीं, देख के अगर याद आता है तो वैसे जाऊंगी। इसे रास्ता देख के पता लग जाएगा। वैसे मुझे 5-6 साल हो रहे हैं, मैं घर नहीं आई, मतलब दादी से मिलने नहीं आई, तो फिर 5-6 साल के बाद जा रही हूँ मैं। और उससे पहले आई थी, उस टाइम तो बस में ही आई थी मैं, तो फिर ये रास्ता तो मुझे याद ही नहीं है। ये पैदल पैदल जाने वाला रास्ता शायद मैं 5th के बाद आज जाऊंगी। जब मैं 5th में पढ़ती थी तो मैं यहीं पढ़ती थी कोयल स्कूल में, तो उस टाइम मैं पैदल आया करती थी जब मुझे दत्तनगर आना होता था या बायल जाना होता था, तब मैं वहां से पैदल आया करती थी। तो मेरे को रास्ता उस टाइम पता था और इतने सालों के बाद जा रही हूँ मैं, कहीं भूली ना होनी चाहिए। आगे मुझे
कुछ मिलेगा अगर बस वगैरह बाइल से होते हुए कोई बस आएगी तो मैं उसमें चली जाऊंगी कोयल तक। वैसे लगता नहीं मुझे वहां से कोई बस आएगी इस टाइम पे, क्योंकि इस टाइम ज़्यादातर चलती नहीं है, सुबह शाम चलती है ज़्यादा बसेज वगैरह, और इस साइड तो गाड़ियाँ भी कम से कम चलती है। मैं यहाँ से दिखाती हूँ आप सभी को। वैसे इधर से ढंग से दिख नहीं रहा, उधर बायल गांव है दिख नहीं रहा। अभी मैं थोड़ा नीचे आ गई हूँ, मतलब सतलुज के नज़दीक है। अभी हल्की हल्की बारिश भी हो रही है और मैं अकेले भी हूँ, मज़ा आ रहा है। पानी देखो कितना सारा है इसमें। और मैं बहुत खुश भी हूँ क्योंकि मैं इतने टाइम के बाद आज मतलब दादी वगैरह से मिलूँगी और मेरे छोटे भाई से भी मिलूँगी, और उनको तो पता भी नहीं होगा कि मैं आ रही हूँ, मैंने कॉल भी नहीं की। मैं बस ऐसे ही जा रही हूँ, उनके लिए सरप्राइज होगा। और अब मैं पहुंच गई, यहाँ से आगे बस 10 मिनट का रास्ता है और उधर है मेरा घर, वहाँ जाके दिखाती हूँ अब। बाकी यहाँ से देख लो लोगों की खेत वगैरह यहाँ पे कितना अच्छा है, और वहाँ पे लोग गाय चुगा रहे हैं और उधर हल भी लगा रहे हैं एक अंकल। और इधर लोगों ने खेतों में पानी लगाया है, उधर हल भी है, इधर अब क्या लगा रहे होंगे इधर लोग, उधर भी हाँ उधर देखो अनाज लगा रहे हैं। इसमें मतलब जो ये पानी है इसमें अब अनाज को ना एक एक करके लगाते हैं। अभी कोई लगा नहीं रहा इधर, नहीं तो मैं आप सभी को दिखाती, उधर लगा रहे हैं लोग। और अब मैं घर पहुंच गई हूं और अभी 2:30 बज रहे हैं। मैं बहुत आराम आराम से आ रही थी, मतलब देखते हुए मतलब नज़ारे का मज़ा लेते हुए आ रही थी मैं, तो मुझे टाइम लग गया ज़्यादा। बाकी अभी मैं घर के नीचे हूं, घर गई नहीं अभी तक ऊपर, अब जा रही हूं आप लोगों को भी दिखाती हूं। और यहाँ पे तो इतनी गर्मी है, मुझे बहुत गर्मी लग रही है, मतलब धूप नहीं है, बादल छाए, थोड़ी देर पहले हल्की हल्की बारिश भी हो रही थी, लेकिन यहाँ पे गर्म इलाके तो यहाँ बारिश का उतना मतलब असर नहीं होता, ठंड नहीं पड़ती जल्दी। और किन्नौर में तो इस वक्त बहुत ज़्यादा ठंड हो गई होगी, लेकिन इधर ऐसा नहीं है, इधर तो अभी भी ऐसा गर्मी लग रही है मुझे। देखो मेरे बाल वगैरह क्या हो गए ये बारिश से भीग के, और मैंने छाता भी यूज़ नहीं किया क्योंकि इतनी गर्मी लग रही थी, तो फिर मैं ऐसे भीगते हुए आ रही थी और बारिश के मज़े ले रही थी। अब जाती हूँ घर, घर में अभी पता नहीं कौन कौन होंगे, देखते हैं। मैंने बताया तो है नहीं कि मैं आ रही हूँ, देखते हैं। अब ये मेरे घर जाने का रास्ता, और इधर ना दमोठा बोलते हैं, उधर ये आगे घास के वो है, घास इकट्ठा करके रखते हैं ऐसे यहाँ पे, जैसे इसमें ना इससे तो निकाल दिया सारा घास, इसमें ऐसे अरे परे से लगा के ऐसे बनाते हैं, और इनको बोलते हैं खुंडे पहाड़ी लैंग्वेज में। और ये मेरे गाय का खुड, यहाँ से अंदर गाय है। हम्म,
पहले जब हम यहाँ रहा करते थे तब यहाँ से अंदर मम्मी गाय रखती थी। इधर भी गाय है, हाँ दो दो गाय। और ये घास के खुंडे, और उधर बड़ी मम्मी वगैरह का घर का काम चला हुआ है। और ये नींबू का पौधा, और ये क्या बोलते हैं इसको, गलगला का पेड़ उधर कर। पहचाना भी मेरे को। नमस्ते अभी, नमस्ते अभी, पहचाना? नहीं पहचानते, भूल गए मेरे को, भूल गए। अच्छा कहाँ है बड़ी मम्मी, मोंटी वगैरह कहाँ है? अच्छा ये मेरा घर है। वहाँ परे दत्तनगर से देखा मैंने, मैंने सोचा मेरा घर है वहाँ पे जाती हूँ। है भी है कि नहीं है वहाँ पे? हाँ वहाँ से दिख रहे थे मुझे आप बैठे हुए, फिर सोचा वहाँ तो मेरी आपी जैसी बैठी है, फिर जाती हूँ सोचा, फिर मैं आ गई। बस में आई वहाँ तक, फिर वहाँ से पैदल आई मैं दत्तनगर से। पागल अनुगाना ले ले को जो खाले ले को जो चुकी रखा न लगो तो पियो का है कि। और मैं घर गई थी वहाँ सबसे मिली, और मेरी इतनी अच्छी किस्मत कि मुझे बुआ मामू भैया भी मिले वहाँ पे। मेरी बुआ का घर भी ऊपर, यहाँ से ऊपर एक दूसरा गांव आता है उधर है, तो किस्मत अच्छी थी कि मुझे मेरी बुआ भी मिल गई, मामू भैया सब मिले। और अभी मैं जा रही हूँ खेत, खेत में बड़ी मम्मी वगैरह काम कर रहे हैं, वहाँ पे क्या लगा रहे हैं। तो हेलो, ओ पानी नहीं किया बंद आपने, पानी थोड़ा कमी की तो आ रहा हूँ। ये मेरी बुआ है, ये क्यों निकाल रहे बुआ, ये क्यों निकाल रहे ये? याद तो है मेरे को, निकाल के फिर लगाते इसको, इतनी मेहनत। मेहनत क्या करना, खाने के लिए चाहिए। ये मेरे बड़ी मम्मी, ऐसे ही यहाँ क्या करूँ। अभी नहीं, यहाँ जा रही हूँ मैं, अभी इतनी जल्दी थोड़ी ना जाऊंगी, कल जाऊंगी वहां तो ऊपर। जो अनाज निकाल रहे हैं अभी, वो कल या परसों, मतलब एक दो दिन के अंदर, जिन जिन खेतों में पानी लगाया हुआ है उन खेतों में एक एक करके लगाते हैं। अभी तो लोग अनाज को निकाल रहे हैं, मतलब उनको पैट के उससे मिट्टी साफ करके, फिर उसको एक दो दिन के अंदर जिन जिन खेत में पानी लगाया हुआ है उन उन खेत में एक एक करके लगाते हैं। तो फिर अभी निकाल रहे लोग, फिर कल एक एक करके उनको खेतों में लगाएंगे अच्छे से बस। और मैं अब घर जा रही हूँ, सब तो काम कर रहे थे तो मुझे करने नहीं दे रहे थे, तो फिर मैं घर जा रही हूँ। इधर भी लोगों ने अनाज को निकाल के, मतलब मिट्टी साफ करके, फिर इकट्ठा करके रख दिया है, फिर कल इनको सीधा इन खेतों में एक एक करके लगाएंगे। अभी तो फिलहाल सभी खेतों में काम कर रहे हैं। मेरा भाई मोंटी, वो अभी तक आया नहीं स्कूल से, मेरे बड़े पापा का बेटा है, वो स्कूल गया है, अब थोड़ी देर में आता होगा। और बारिश भी हो रही थी इधर पहले, अब भी आने वाली फिर से लग रहा है मुझे, हल्की हल्की बारिश हो रही है अभी। तो सभी छाता लगा के आराम से बैठ के फिर अनाज निकाल रहे हैं, साफ कर रहे हैं। और अब मैं चली घर को,
अब मैं आपको दिखाती हूँ अच्छे से मेरा घर। मेरी दादी को तो देख लिया होगा वैसे। ये मेरा घर, अब घूम घूम के और इतना चल के आई, अब मुझे भूख लगी है। अब मैं खाना खा रही हूँ और खाने में क्या है मैं दिखाती हूँ। और खाने में है चावल और राजमा की दाल। और चावल जो है जो यहीं पे खेतों में उगाते हैं, मतलब जो अनाज यहाँ पे लगाते हैं वही चावल है। ये बहुत छोटे छोटे होते हैं और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होते हैं गाइस, सच में ये चावल खाने का तो मज़ा ही कुछ और होता है। और हमारे घर के पीछे ही एक छोटा सा मंदिर है कि ये बैर के पेड़ है, मतलब बैर तो आप सभी को पता ही होगा, बैर जो छोटे छोटे रेड रेड होते हैं बहुत ही मीठे होते हैं। अभी तो ये कच्चे हैं, अभी एकदम एक महीना और लग जाएगा पकने को। और ये नींबू के पेड़, यहाँ पे बैर के बहुत सारे पौधे देखो इधर भी है, मतलब रास्ते पर ऊपर नीचे आप लोगों को बैर के ये पेड़ मिलते ही रहेंगे, मिलते रहेंगे। जब मैं छोटी थी मैं यहीं स्कूल में पढ़ा करती थी, परी कोयल स्कूल में, तब हम लोग छुट्टी होने के बाद आधा एक घंटा तो हम लोग ये बैर निकालने में लग जाते थे, फिर बैर इकट्ठा करते थे इतने सारे, फिर खाते खाते घर आते थे। A few moments later. अब मैं घर तो पहुंच गई हूँ लेकिन घर पे अभी कोई नहीं है, बड़ी मम्मी वगैरह नीचे खेत में काम कर रहे हैं और आप ही थे, आप ही पता नहीं कहाँ गए। प्यारा सा बच्चा और ये दीप्ति रानी बच्चा और ये मेरा भाई मोंटी। हेलो करो, हेलो 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 गाइस। और अभी 10 बज रहे हैं, हमारा डिनर हो गया है और बस अब सोने वाले हैं। तो इतने में आज का व्लॉग बस इतना ही। अगर आप सभी को मेरा ये व्लॉग पसंद आता है तो लाइक कमेंट शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय, टेक केयर।